हाल के दिनों में ऐसा कई बार देखने को मिला है जब एक ही दिन भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हों। बीते दिनों भोजपुरी जगत के सुपरस्टार रवि किशन की फिल्म ये मोहब्बत रिलीज हुई तो ठीक उसी दिन खेसारी लाल यादव स्टारर साजन चले ससुराल 2 ने भी पर्दे पर दस्तक दी। हालांकि दोनों फिल्मों को इस चीज ने जरूर आपस में जोड़ दिया कि अभिनेत्री स्मृति सिन्हा ने दोनों ही फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम किया है। ऐसे में वो अपनी दोनों ही फिल्मों के लिए ना सिर्फ गंभीर दिखी बल्कि दोनों ही फिल्मों की सफलता के लिए भी दुआ मांगी। अब ठीक उसी तरह से एक और अभिनेत्री की फिल्में आपस में टकराने को तैयार हैं। दरअसल भोजपुरी फिल्मों की ड्रीम गर्ल कहे जाने वाली अभिनेत्री शुभी शर्मा का डबल रोमांस बिहार के दर्शक 5 अगस्त को देखने वाले हैं। बताते चले कि 5 अगस्त को शुभी शर्मा की रामलखन और दुल्हन चाही पाकिस्तान से जैसी दो बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं। निराहुआ एंटरटेनमेंट की रामलखन में जहां वो प्रवेश लाल के साथ नजर आएंगी तो वहीं दुल्हन चाही पाकिस्तान में वो अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू के साथ रोमांस करती हुई दिखाई देंगी। भोजपुरी की तमाम फिल्मों में अपना जलवा बिखेर चुकी शुभी के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है जब उनकी दो बड़ी फिल्में एक ही दिन रिलीज हो रही हों। शुभी कहती है कि रामलखन एक पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है जबकि दुल्हन चाही पाकिस्तान से आतंक के खिलाफ एक जंग की कहानी है। शुभी साथ ही ये भी बताती है कि दर्शकों को उनकी दोनों ही फिल्मों में उनका अलग अलग रूप देखने को मिलने वाला है। खैर दर्शकों को कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आती है ये तो रिलीज के बाद ही पता चल सकेगा, लेकिन दोनों ही फिल्मों में शुभी का रोमांस दर्शकों को जरूर देखने को मिलेगा। न्यूज रूम से अनुज की रिपोर्ट।